अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ भी नहीं बनाना सिखाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये भी लोगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ हसन रजा, वेलकम टू माय चैनल किचन वॉक। न्यू डे न्यू रेसिपी, हर दिन कोई नई रेसिपी मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिस तरीके से इस बार भी मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन दो प्याज़ा, ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेसिपी है। देख सकते हैं टमाटर भी छोटे छोटे कटे हुए हैं और क्यूब्स की शक्ल में भी टमाटर कटे हुए हैं और प्याज भी क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई है। ये एंड में डलेगा, ट्विस्ट है, हरी मिर्चें भी इसके अंदर है, योगर्ट भी है और सबसे बड़ी बात मैं ये घी में बनाऊंगा। अब आप खुद आइडिया कर सकते हैं जब चिकन के अंदर घी मिलेगा तो उसका टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं लेकिन मैं आपको इसको घी में बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चिकन ले लेते हैं और इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो चले इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। हाफ के जी मैंने चिकन लिए विद बोन हेयर। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा मैं बचा लूंगा, 1 लेमन का जूस मैं स्क्वीज कर दूंगा। देखिए हाथ को इस तरीके से रखें ताकि बीज अंदर ना जाएं। देखिए सारे बीज आपकी उंगलियों के बीच में रुक गए, कितना बेहतरीन अल्लाह ताला ने छन्ना दिया। देखिए अच्छी तरीके से स्क्वीज हो चुका है एंड अलाउ टू वॉश माई हैंड। इसको मिक्स कर लें। देखिए मिक्स हो चुका है, इसको 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट पर रख दूंगा साइड पे। अब मैं दही का मिक्सचर तैयार करूंगा यहीं पर ही। हाफ कप दही लिया मैंने, इसका मिक्सचर भी मैं यहीं पर तैयार कर लूंगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मिक्स कर लें इसको। ऐसा चटपटा और इतना ज़बरदस्त बनेगा ये, और दही शामिल हो जिस चीज़ में तो मज़ा ही आ जाए, फिर टेस्ट भी ऐसा डेवलप होगा अच्छा बेहतरीन। देखें ये मिक्स हो चुका है, इसको भी एक साइड पे मैं रख दूंगा। अब चलते हैं चिकन का मसाला प्रिपेयर करने की तरफ। देखिए पैन मैंने ले लिया, इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून घी, आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा घी में है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप हुई हुई, 1/2 गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 बड़े टमाटर फाइन चॉप, 5 से 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बचाया था, सॉल्ट टू टेस्ट, पहले इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगा जिसमें मैंने स्पाइसेस मिलाए थे, मिक्स कर लें। जो मैंने चिकन में मसाला मिला के रखा था वो चिकन इसमें ऐड कर दूंगा। 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 कप पानी, मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगा जब तक चिकन गल नहीं जाती। देखिए चिकन गल चुकी है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगा प्याज, पेटल्स कटिंग कर ली है मैंने इसकी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 1 टमाटर के सीड्स निकाल के मैंने इसको स्क्वायर में कट कर लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा।
थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करूंगा ऊपर से। 3 से 4 बारीक वाली हरी मिर्चें लंबाई में इसको मैंने कट कर लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 से 2 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूंगा। देखिए लो फ्लेम पे मैंने इसको बिल्कुल रखा हुआ है, घी देखिए इसका कैसा ऊपर आ चुका है। फ्लेम मैंने इसका ऑफ कर दिया, मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूंगा। मज़ेदार चिकन दो प्याज़ा तैयार हो चुका है। तंदूर की रोटी, नान, पराठा सबसे अच्छा लगेगा, जिससे चाहें आप खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जो मैंने टमाटर इसमें एंड में डाले हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी पे है। ये बहुत अच्छी बनी है। क्या क्या नहीं गया इसमें, हर मसाले इसमें गए, टमाटर भी गया भाई, प्याज भी गया, दही भी गई है इसमें। इसी तरीके से चिकन बाल्टी मैंने आपको बनाना सिखाई थी, उसमें तो अचार का मसाला भी गया था, बड़ी बेहतरीन बनी थी। अगर वो आपको बनाना सीखनी है तो यहाँ क्लिक करें, चिकन बाल्टी की रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर मेरी डिश आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, दिए गए बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ आके फॉलो करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।